उधर गोरखपुर में राज्यसभा चुनाव पर बोले निषाद। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी पर लगाया विधायक को धमकाने का आरोप। बीजेपी ने विधायक को धमकी देकर अपने पक्ष में वोट डलवाया, यह आरोप संजय निषाद का। कहा कि विधायक के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें विजय मिश्रा के बीजेपी को वोट देने के ऐलान के बाद संजय निषाद का ये बयान। विधायक हमारे ताकतवर विधायक हैं, बाहुबली हैं और जनता के सेवक भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में कुछ जांच करा के उनको अपने अस्पताल में रखा और ये धमकी दिया कि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो जितने भी आय के स्रोत आपके हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, बजट नहीं दिए जाएंगे, जो जांच कराए जाएंगे दबा के जाएंगे। तो आज तरह तरह के उनके सारे ठेके बंद कर दिए थे, तो अब वो धमकी भरा, धमकी जैसे डिटेक्टरशिप है, धमकी करके कहीं भी वोट कराया जा सकता है। उसके लिए हमने जो हमारी पार्टी को जो करना था वो किया और विधायक है उनकी इच्छा है, वो क्या करते हैं वो आगे अगर पार्टी के नियम से नहीं किए हैं तो पार्टी उनके ऊपर नियमानुसार। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने हमारे एमएलओ यानी विजय मिश्रा को दरअसल धमकी देकर वोट डलवाया है और अब विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी आय के जो स्रोत हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, पूरे मामले की जांच होगी और कार्रवाई होगी। तो राज्यसभा का चुनाव वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यानी 5 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव इस बार इसलिए रोचक हो गया है क्योंकि 10वीं सीट को लेकर बेहद दिलचस्प है मुकाबला, वो इसलिए क्योंकि यूपी की 10 सीटें हैं, उनमें 8 बीजेपी के खाते में, संख्या बल के आधार पर जाना तय। और इस बीच आपको बता दें राज्यसभा के इस रण में अरुण जेटली भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण जेटली पर कौन कौन सी जिम्मेदारी रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री हैं अभी अरुण जेटली, वित्त मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं अरुण जेटली, इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं युवा अवस्था में। 1999 में वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री का जिम्मा भी अरुण जेटली ने संभाला था। 2000 में वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए और उद्योग वाणिज्य और कानून मंत्री की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 2014 लोकसभा चुनाव में अमृतसर से हार का हालांकि उन्हें सामना करना पड़ा था। इधर जीवीएल नरसिम्हा राव भी चुनावी मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जाने माने चुनाव विश्लेषक बताए जाते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। 2011 में मोदी के पीएम बनने की सबसे पहले भविष्यवाणी की थी इन्होंने। जीवीएल नरसिम्हा राव ने कई किताबें भी लिखी हैं। उदयनाथ सिंह यादव भी कैंडिडेट हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला किया है आज विधायकों ने। बीजेपी के संगठन मंत्री और प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 1990 में एमएससी के लिए स्नातक कोटे से बीजेपी से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 1996 में निर्दलीय चुनाव जीता और सपा में शामिल हो गए हरनाथ सिंह यादव। 2002 में एमएलसी के लिए स्नातक कोटे से सपा के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा, कुछ साल पहले सपा से भी नहीं जमी और बीजेपी में वापस आ गए। अगला नाम है डॉक्टर अनिल जैन का, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। किन 9 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन है इसमें शामिल। डॉक्टर अनिल जैन भी है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के पार्टी प्रभारी भी हैं अनिल जैन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हैं। बीजेपी में कई अन्य पदों पर भी रह चुके हैं डॉक्टर अनिल जैन, इसके अलावा आरएसएस और एबीवीपी से भी जुड़े रहे, भारत स्काउट गाइड समेत कई संस्थाओं के पदाधिकारी भी रहे हैं। अगला नाम सकलदीप राजभर, बलिया के रहने वाले, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं राजभर। इसके अलावा 1995 में ग्राम प्रधान चुने गए थे सकलदीप
राजभर 2002 में बीजेपी के टिकट पर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। किसानी करने वाले राजभर इंटर तक की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। कुछ साल पहले तक तहसील में बतौर मुहरिर का काम करते थे। अगला नाम डॉक्टर अशोक वाजपेयी का है। 4 दशक तक समाजवादी में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं डॉक्टर अशोक वाजपेयी। आपको यह भी बता दें कि साल 2017 में इन्होंने विधान परिषद की सीट छोड़ी थी और इसी सीट से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा निर्विरोध एमएलसी बने। हरदोई जिले के रहने वाले हैं अशोक वाजपेयी। 7 बार विधायक रह चुके हैं अशोक वाजपेयी। विजय पाल तोमर मेरठ के रहने वाले हैं। विजय पाल तोमर जनता दल से 1 बार सरधना क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी में आने के बाद किसानों के बीच इन्होंने जमकर काम किया, पहचान बनाई। पहले किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे विजय पाल तोमर। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए थे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सपा शासनकाल में तोमर की अगुवाई में ही बीजेपी किसानों की आवाज बनी। गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर संघर्ष किया था विजय पाल तोमर ने। तो यह बीजेपी के वो कैंडिडेट जिनका जीतना तय है, लेकिन बाजी बीजेपी के 9वीं कैंडिडेट को लेकर है, यानी 10वीं सीट का रण आखिर कौन जीत पाएगा, क्योंकि यूपी की 10 सीटें 8 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 1 सपा की, लेकिन 1 सीट जिसको लेकर इधर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो वहीं बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होगी। इस पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।